Hello learners, how are you? I hope that all of you fine. Today we are going to few points discuss from chapter Chemical Reaction and Equation. In this chapter we will know about the effects of oxidation reactions in everyday life. इस सेशन में हम लोग बात करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, जो कि दैनिक जीवन की जिंदगी में या रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीजन प्रतिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है। कोरोजिन, जिसको क्षरण बोला जाता है, ह्रास। द प्रोसेस ऑफ क्रोडिंग मेटल स्टोन और अदर मटेरियल्स, अर्थात धातु, पत्थर या अन्य सामग्री के क्षरण की प्रक्रिया। मेनी मेटल्स आर केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स एंड गेट इजिली अफेक्टेड बाई सब्सटांसेस लाइक मॉइस्चर, एयर, एसिड्स, ईटीसी। यानी कई धातुएं रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व हैं और नमी, हवा, एसिड आदि जैसे पदार्थों से आसानी से प्रभावित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, वन मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड आयरन आर्टिकल्स दैट आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे की वस्तुओं को देखा होगा जो नई होने पर चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़े जाने पर लाल भूरे रंग के पाउडर से ढक जाती है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लोहे में जंग लगना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉब्लम विद आयरन एज वेल एज मेनी अदर मेटल्स इज दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड ऑक्साइड फॉर्म डज नॉट फर्मली adhere to the surface of the metal causing it to flake off easily। लोहे साथ ही कई अन्य धातुओं के साथ समस्या यह है कि ऑक्सीकरण होता है और बनने वाला ऑक्साइड धातु की सतह पर मजबूती से नहीं टिकता, जिससे यह आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस eventually causes structural weakness and disintegration of the metal। यह अंततः संरचनात्मक कमजोरी और धातु के विघटन का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट। इट सेड टू बी क्रूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजिन। यानी इसलिए धातु पर उसके आसपास के पदार्थों द्वारा हमला किया जाता है, इसे संक्षारक कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जंग भी कहा जाता है। कोरोजिन काउजेज डिटोरेशन ऑफ इसेंशियल प्रॉपर्टीज इन मटेरियल। जंग के कारण सामग्री के आवश्यक गुणों का ह्रास होता है, यानी धीरे धीरे खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, What happens to copper vessels or artifacts when exposed to air and water? यानी कॉपर के जो भी बर्तन हैं, सामान हैं, वो एयर में और वाटर में रहने से क्या क्या होता है। हवा और पानी के संपर्क में आने पर तांबे के बर्तनों या कलाकृतियों का क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्लोली गेट ट्रांजिस्ट बाय एक्वायरिंग अ थिन ग्रीन ऑक्साइड लेयर। सिमिलरली सिल्वर क्विकली एक्वायर्स अ थिन ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग इन मॉइस्चर एयर। द हैवीएस्ट मेटल लीड ऑल्सो ट्रेनिसेस इन मॉइस्ट वेदर। हरे रंग की ऑक्साइड की पतली परत प्राप्त करके वह धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। कौन? कॉपर। इसी तरह
चांदी जल्दी से पतला काला हो जाता है, नम हवाओं में ऑक्साइड कोटिंग भी हो जाता है। सबसे भारी धातु सीसा भी नम मौसम में धूमिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिजन इन विच द ऑक्साइड्स फॉर्म स्ट्रांगली बाउंड टू द सर्फेस ऑफ द मेटल प्रिवेंटिंग द सर्फेस फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड कंसेक्वेंटली स्लोइंग डाउन कोरिजन। सही बात है, चांदी पर काली कोटिंग और तांबे पर हरे रंग की कोटिंग जंग के उदाहरण हैं, जिसमें ऑक्साइड धातु की सतह से मजबूती से बंधे होते हैं, जिससे सतह को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोका जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप क्षरण धीमा हो जाता है। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, सम हाई फैट फूड सच एज पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन मटेरियल दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड ऑक्सीजन एंड द कंटेनर्स आर फ्लूडेड विद नाइट्रोजन टू फर्दर एक्सक्लूड ऑक्सीजन। सही बात है, कुछ उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स को ऐसी सामग्रियों में पैक किया जाता है जो उन्हें प्रकाश और ऑक्सीजन से बचाते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए कंटेनरों में नाइट्रोजन भर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एट टाइम टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल टूगेदर वैक्यूम पैकेजिंग इज यूज इन सम प्रोसेस्ड फूड स्टफ। कभी कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति से पूरी तरह बचाने के लिए कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में वैक्यूम पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डियर लर्नर्स। नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आसान भाषा में, बासी हो जाना, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। रेंसिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्साइडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइट और मॉइस्चर और बाय बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ओडोर। स्पेशली इट इज द हाइड्रोलाइसिस और ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इंटू शॉर्ट चैन एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड फ्री फैटी एसिड विच आर ऑब्जेक्शनेबल इन टेस्ट एंड ओडोर। व्हेन दिस प्रोसेसेस ऑकर इन फूड अनडिजायरेबल ओडर्स एंड फ्लेवर्स कैन रिजल्ट। हिंदी में समझ लेते हैं, हवा, प्रकाश या नमी या जीवाणु क्रिया द्वारा उजागर होने पर वसा और तेलों को पूर्ण और अपूर्ण ऑक्सीकरण या हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रिय स्वाद और गंध होती है। विशेष रूप से यह शॉर्ट चैन एल्डिहाइड कीटोन्स और मुक्त फैटी एसिड में वसा हाइड्रोलिसिस या ऑटो ऑक्सीडेशन है, जो स्वाद और गंध में आपत्तिजनक है। जब ये प्रक्रियाएं भोजन में होती हैं तो अवांछनीय गंध और स्वाद हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑफ लिक्विड कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। क्या आपने कभी लंबे समय से बची हुई बसा और तेल युक्त खाद्य सामग्री को चखा या सूंघा है? नेक्स्ट पॉइंट, दिस अनप्लीजेंट चेंज इन फ्लेवर एंड ऑडर ऑफ अ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस ऑफ रेंसिडिटी इज द डिटोरेशन इन फैट्स एंड फैटी फूड्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। भोजन के स्वाद और गंध में इस अप्रिय परिवर्तन को बासीपन कहा जाता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण वसा और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में गिरावट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
Next point. When oxygen atom replaces hydrogen atom in fatty acid molecule, it destabilizes the molecules. जब एक ऑक्सीजन परमाणु फैटी एसिड अणु में हाइड्रोजन परमाणु की जगह लेता है तो यह अणु को अस्थिर कर देता है. फैक्टर्स विच एक्सेलरेट फैट ऑक्सीडेशन इंक्लूड सॉल्ट, लाइट, वाटर, बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ट्रेस मेटल्स सच दैट आयरन, जिंक, इटीसी. वसा ऑक्सीकरण में तेजी लाने वाले कारकों में कौन कौन से हैं? नमक है, प्रकाश है, पानी है, बैक्टीरिया है, मोल्ड, ट्रेस धातु जैसे लोहा, जस्ता आदि शामिल है. एज वेल सब्सटेंसेस विच रिट्रेड फैट ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी आर कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेंट्स सच एज BHT, BHA, विटामिन ई एंड विटामिन सी एंड स्पाइसेस सच एज सेज एंड रोजमेरी. दीज आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड वाइल टू प्रिवेंट सच स्पॉइलिंग. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स और एयर टाइट वार्पिंग ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. हिंदी में समझ लेते हैं. आमतौर पे वे पदार्थ जो वसा के ऑक्सीकरण या बासीपन को रोकते हैं उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जैसे BHT, BHA, विटामिन ई और विटामिन सी और रीसी और मेहंदी जैसे मसाले. इन्हें खराब होने से बचाने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है. भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखना या एयर टाइट लपेटना भी ऑक्सीकरण को धीमी करने में मदद करता है. ये दो जो टॉपिक हैं, टर्म हैं इस चैप्टर के, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के, ये बहुत ही आम तौर पे महत्वपूर्ण हैं. इसके लिए हमें इसको बार बार रिवाइज करना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है. आज के लिए डियर लर्नर्स इतना ही. सभी को धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.